Architect and team from Bangalore. हाँ, साइट पर पहुंच गए। क्या कहा? 7th फ्लोर पर। ये कौन सा फ्लोर है? सर मैंने गिना नहीं। क्या बढ़िया टीम दी है, फ्लोर तक काउंट नहीं कर पाते हैं। वैसे यहाँ तो सिर्फ 4 लोग नजर आ रहे हैं। हाँ आ गया 5वां। कहाँ गायब हो गए थे? सुसू करने गए थे क्या? चलो बैठ जाओ। नाम पूछना है? तुम में से टिल्लू मर्चेंट कौन है बताओ। मैं हूँ टिल्लू मर्चेंट। ये 7th फ्लोर ही है और हम 5 लोग हैं। कैंडिडेट कंफर्म हो गया, कॉल करता हूँ। तू आर्किटेक्ट नहीं है? मुझे अपनी तारीफ अपने मुंह से करना अच्छा नहीं लगता। ओए डीजे। ये क्या है? ये इंट्रो था? जैसे मंत्र उच्चारण कर रहे हो। डीजे थोड़ा बिल्डअप दो बेबी, थोड़ा एलिवेशन दो, इसे कहते हैं इंट्रो। भाई और बहनों, प्रेजेंटिंग द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर डीजे। डीजे अब होगा एंटरटेनमेंट शुरू। अब ये डीजे कौन है? रीमिक्स गाने बजाने वाला डीजे नहीं, तुम्हारी बैंड बजाने वाला डीजे हूं। फर्स्ट टाइम देख रहा हूं तुझे, तेरी पर्सनालिटी, तेरे नाम से। फर्स्ट टाइम देखने के बाद कोई जिंदा रहता ही नहीं, दोबारा मिलने का चांस ही नहीं देता मैं। तेरे जैसे 2 कौड़ी के क्रिमिनल में इतना एटीट्यूड है, तो मुझ जैसे जस्टिस के पुजारी में कितना एटीट्यूड होगा? हाँ? भाई आप बोलो ना, इसको उड़ा देता हूँ। लिमिट में रह। जब हीरो और विलन बात कर रहे हैं तो साइड आर्टिस्ट का क्या काम? तुझे तो जितना पगार है उतना ही बोल। अब असली मुद्दे की बात करता हूँ। शटर डाउन, कल से दुकान क्लोज करनी है। अरे लेकिन हमारा दुकान क्लोज कैसे होगा? ये भी डफर है। hey, ये गवर्नमेंट का आदमी रिश्वत लेने आया है ना? चल भिखारी की तरह पैर पकड़, मोड़ बना तो दे भी दूंगा। लो अब इधर भिखारी कौन है? अरे यही तो हमारे देश का प्रॉब्लम है। इशारों में जो कह रहा हूँ वो कोई समझ नहीं पा रहा है। तुम्हें मेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आई और ये बॉडी लैंग्वेज नहीं समझ रहा है। अब समझने समझाने का वक्त खत्म हो गया। दुकान क्लोज, उसका मतलब यही है। नहीं समझा तू? नहीं समझा ना? तुझे समझाता हूँ। छोड़ दो मुझे। तेरे गिड़गिड़ाने को भीख मांगना कहते हैं। घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट्री।
अरे बाप रे, गए काम से, अब इनका क्या होगा? मुझे मार रहा है, जानता है मेरा नाम क्या है? तेरा जो भी नाम, क्या तू खुद को बचा पाया? क्या खुद को पिटने से रोक पाया? तूने जो पाप किए उसका बिल तुझे ही भरना होगा। दर्द और जख्म नाम या बैकग्राउंड के मोहताज नहीं होते। हर नाइंसाफी का मुंह तोड़ जवाब दूंगा, और जो कानून तोड़ेगा उसे तो मैं। इधर क्या कर रहा है? इधर मर्डर होंगे लाए, चल निकल। देखा अपन ने कैसा उड़ाया गाड़ी को, बेकार में परेशान मत हो, चल जा बेटा, जल्दी गाड़ी निकालो बे, भाई का जुलूस निकल रहा है। तो काय को मार रहा है बे? मुझे मारना चाहता था। इसे क्यों मारूंगा? अबे यार मैं तुझे बोल। अरे अरे मैं बोल सुन, अरे काय को मारूंगा मैं? काय को मारूंगा? मुझे मारने की कोशिश करोगे तुम्हारी तुम्हें। अरे तेरे को कौन मार रहा था? एसीपी राम को मार रहा था। अरे यार एसीपी राम की गाड़ी में तेरे को कौन बैठने बोला? जिसे अपन मारना चाहता है वो तू नहीं है, समझा? देवा लगता है अपन की बात ये समझ गया पापा। कहाँ है ये शिवालय?
मेरे भैया को मारना चाहता है ना तू? तू तो क्या है? मैं तो नॉमिनेशन भरने के लिए जा रहा था। मेरा नॉमिनेशन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। You are finished। मेरे भैया को मारने की सोच से ही तेरी जिंदगी उल्टी लटक गई है और तुम मुझे धमकी दे रहा है। इस बार पैरों से लटका है तू, अगली बार गले से। तो जितना आसान समझ रहा उतना आसान नहीं है। तूने गलती कर दी है साले। मेरे बारे में तू पूरी तरह नहीं जानता ये मानव। अब कुछ मत बोल। अपने बारे में मुझे बताकर और मेरे बारे में जानकर कोई रेस शुरू मत कर, क्योंकि रेस के घोड़ों पर लगाम लगी होती है, लेकिन मैं बेलगाम। मैं हूँ माधव शिवा रेड्डी। क्या यार, माधव शिवा रेड्डी, नाइस नेम, माधव शिवा रेड्डी। नाइस मीटिंग यू मिस्टर माधव शिवा रेड्डी। आई एम लक्ष्मण प्रसाद, मगर ये नाम सुनते ही मेरा दिमाग घूम जाता है। कॉल मी लक्की, जस्ट लक्की। भैया चाहे जितना मार लो, बस एक बार सर का नाम बता दो। हाँ? क्या बोला? सर का नाम बता दो। क्यों दिमाग की दही कर रहा है बे? सर का नाम बताओ, सर का नाम बताओ, तोते की तरह। ए सूरी, सर को फोन करके पूछ इस बावर्ची का करना क्या है। बोर हो गया हूं मार मार के इसको। हेलो सर। मेरी बात करवा दो। चुप। सर ये वो नहीं हो सकता सर। अरे वही है, कसाई की तरह जब उसको मारेगा ना तब डॉगी भोबो करने को चालू करेगा। और मारेंगे तो टपक जाएगा। तो टपका दे। क्या? सही सुना तूने, टपका दे। सॉरी ब्रदर, तेरे को टपकाने का ऑर्डर मिला है। मुझे मार दोगे? सच में? मैंने क्या किया है? मार देंगे मुझे? तुझसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, पापी पेट का सवाल है ब्रो। तू सब्जियां काट के कमाता है और मैं गर्दन काट के, बस छोटा सा ही तो फर्क है। ए,
कोई आखिरी इच्छा है तो बताना, पूरी कर देंगे। शर्मा मत, बोल दे, तेरे लिए हुक्का मंगाऊं क्या? साथ में दो पैग। मरने से पहले कम से कम मुझे मारने वाले का नाम तो बता दीजिए ना। देखिए, हमारे धंधे के उसूलों के खिलाफ है। ए सूरी, खत्म करना इसे। भैया नहीं, भैया मैंने आज तक कभी किसी ब्राह्मण को नहीं मारा। बिल्ली और ब्राह्मण, इनको नहीं मारना चाहिए वरना नर्क में भी थर्ड क्लास जगह मिलती है, ऐसा मेरी दादी कहती। जाने दीजिए। नहीं, ए, ये काम तू कर। नहीं, मत मत मारिए भाई, ये अपुन के लाइफ का पहला मर्डर है। अपुन को गुड लक तो बोलो। हैप्पी मर्डर डे टू यू, हैप्पी मर्डर डे टू यू। ए सब लोग आओ। हैप्पी मर्डर डे टू यू, हैप्पी मर्डर डे टू यू, हैप्पी मर्डर डे चंदू। चल बेटा, अब केक काट। नहीं, एक मिनट, आपने कहा था मेरी आखिरी इच्छा पूरी करना। मेरी एक छोटी सी इच्छा है सर। चल बोल। गले में पवित्र रुद्राक्ष है, माँ पाप लगेगा, इसे पहन के मारा तो। और उतार के मारा तो सीधा स्वर्ग जाएंगे, मेरी गारंटी है। ए, निकाल के फेंक दे रे। प्लीज मुझे अपने मालिक का नाम बता दीजिए। बस नाम ही तो जानना चाहता हूं मैं। हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, नाम बताने में आपका क्या जाएगा? अब तो बता दीजिए ना, नाम क्या है? सबको मरते हुए देखेंगे क्या? अब तो नाम बता दीजिए ना। दादी ने ब्राह्मण और बिल्लियों को मारने से मना किया था, लेकिन किसी शेर से ना उलझने के बारे में बोलना भूल गई। नायडू कंस्ट्रक्शन, रॉयल नायडू।
नाम तो बता दिया ना ब्रो। जब जमीन पर पड़ा था 10 बार पूछा, नहीं बताया, तभी बता देना चाहिए था ना। अब क्या कर सकते हैं, तेरी बदकिस्मती है, 1 सेकंड लेट हो गया। इसे कहते हैं बैड टाइमिंग। मेरा नाम जपते जा तेरा स्वाहा हो गया है। लोग देवी को जानवरों की बलि देते हैं, मैं तेरी बलि चढ़ाऊंगा। ए नगाड़े बजाओ, सारे शहर को पता लगना चाहिए कि मैं इसकी बलि चढ़ाऊंगा। जाफर हाथ छोड़ो। मैंने कहा हाथ छोड़ो। गणेश सुनो, नहीं कुछ समझ गया। अपने डर पर काबू रखो, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना। देखो मेरी आंखों में, देखो देखो मेरी तरफ, देखो देखती रहो। तेरे बाप का माल है ना, आजा हाथ लगा। हाथ लगा।
से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। तुझे और तेरे परिवार को खत्म कर देगा वो। बॉर्डर पर दुश्मन का नाम सुनकर उतना खून नहीं खौलता जितने तेरे धनुष के नाम से खौलता है। तुम उसके भाड़े के टट्टू हो, पर मैं जंगल का वो शेर हूं कि जिसने जंगल में पैर रखा तो कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जानू मेरी है, ये बात भेजे में उतार ले, कोई हमें अलग नहीं कर सकता। इसे हाथ तो लगाकर दिखा, फिर चाहे तू हो या तेरा वो धनुष, तुम्हें तुम्हारे घर के अंदर घुस के मारूंगा। मैं तो ना लड़ने की कसम खाने वाला था, लेकिन आज इसी देवी के आगे प्रतिज्ञा लेता हूं, अब एक नया युद्ध आरंभ होगा। उसकी ताकत, मेरा क्रोध, उसका अहंकार और मेरी जिद के बीच ये जंग का ऐलान है। एनी टाइम, एनीवेयर, एनीबॉडी, आई एम रेडी। से नीचे उतारा तो मैं उसका फैन हूं, वो हमेशा टॉप पर ही रहेगा। अरे हाँ, स्लो 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 स्लो, अब आजा 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 आजा, कूल 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 कूल, आराम से, शाबाश शाबाश शाबाश, अच्छा थोड़ा सा आगे। अबे जल्दी करना, कहाँ छोड़ूंगा नहीं, पकड़ लिया। अस्तमा भी है इसको। थैंक यू। मारेगा पूछे, इंसान की जिंदगी इतनी आसानी से नहीं मिलती है। हमारे जैसे लोग लड़ते नहीं, बात करते हैं, मुद्दे पर आते हैं। वी विल सेट एंड टॉक। इस साले को मार दो। आ! 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 आ!
अरे बाबा माफ करो, जो मन में आया वो करो, मैं तो चला, मैं जा रहा हूँ। मार डाला, जब मुझसे बात करनी थी तो गोली क्यों चलाई? दर्द हुआ? देखो जाने दो। हाँ? मुझे जाने दो, तुम्हारी बहन का है मैं बताता हूँ। मत बता। हाँ? कोई जरूरत नहीं है। ए, 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 मुझे गुस्सा मत ला। आज की शाम इस शहर की जैसे ही पहली लाइट चलेगी तेरी बहन मार दी जाएगी। मरवा दे। ए, पागल हो गया तू? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तू उसे मारेगा, मार उसे, मार, चल मार ना। ए, क्या है? जिसने भाई खोया उसे गुस्सा होने का हक भी नहीं है क्या? वो तेरी बहन है। फर्क नहीं पड़ता। है? वो तेरी सौतेली बहन है? नहीं, मैं थोड़ा येड़ा हूँ, मेरी सटक गई तो सामने वाले को नहीं छोड़ता। मिल गया, पकड़ लिया। ऑफिसर, मुझे से बचाओ। घबरा तो नहीं, घबरा तो नहीं हूँ, अभी क्यों? मुझे बचा लो ऑफिसर, ये मार देगा मुझे अरेस्ट भी। अरे रे, हथकड़ी लाना तो भूल ही गया। कच्चे का नाड़ा भी चलेगा, मैं नहीं भागूंगा। इस कचरे को जेल में संभाल के रखने का क्या फायदा है सर? पहले ऐसे कपड़े दो, इतवार को ऑमलेट दो, बुधवार को बिरयानी दो, गवर्नमेंट के खर्चे पर ऐश करेगा। मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ सर। मारना मत वरना फंस जाओगे। बॉडी मिलेगी तो फंसूंगा ना सर, मछलियाँ खा जाएंगी, हमारे अलावा किसे पता चलेगा? मैंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला। एक गोली दो आदमी, बहुत नाइंसाफी है। घबराइए मत सर, आपकी बेटी के लिए इससे अच्छा लड़का ढूंढ कर लाऊंगा। अरे एक नंबर का बेर है, कुत्ता है सर। बोला तूने? अरे बोला कुत्ता? अरे तू तो अपने आप को इंजेक्शन में तुझे बचा नहीं पाएंगे। इस कमीने को मारने पर तुम्हें कोई मेडल नहीं मिलेगा, छोड़ दो इसे। सर मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं है, इसे नहीं छोड़ूंगा मैं। तुम मेरे बड़े बेटे जैसे हो, मेरी बात मानो, छोड़ दो इसे, फेंक दो ये गन। इस कमीने के लिए रूल्स नहीं है, शरीफ लोगों के लिए रूल्स बनाए। शांत हो जाओ रवि। रवि झुक जाओ। बिट्टू, अब आपको मेडल मिलेगा सर। मेडल मिले या ना मिले, अगर मैं इसे नहीं मारता तो ये तुम्हें मार देता। ऐसा नहीं होता सर, उसकी गन में गोली भी तो होनी चाहिए ना। इसका मतलब वो गन खाली थी। खाली गन फेंक कर ड्रामा कर रहे थे तो क्या मैं इसे मारकर जेल चला जाता? सोच भी कैसे सकते हैं।